नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रायपुर मारवाड़ 31 दिसंबर 2021 हरिपुर रायपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय क्रिकेट कप प्रतियोगिता के फाइनल में हरिपुर 11 ने पिपलिया कला को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। हजारों की संख्या में उपस्थित स्थानीय कपूरड़ी पोलो ग्राउंड पर हरिपुर रायपुर क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में रायपुर कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच शुक्रवार को हरिपुर 11 और पिपलिया के बीच खेला गया। रोमांचक हुए मुकाबले में हरिपुर 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए। हरिपुर 11 के विकास ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों में 52 और आशीष ने मात्र 22 गेंदों पर 52 रन की ताबड़तोड़ रन बना दिए। जिसके जवाबी पारी में पिपलिया 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। इसी प्रकार हरिपुर 11 38 रन से विजय हो गई। पिपलिया की ओर से हार्दिक ने 3 विकेट लेने के बाद 46 रन की पारी भी खेली। हरिपुर 11 के दर्शन सिंह ने गेंदबाजी में उम्दा प्रदर्शन करते हुए 20 रन देकर 4 विकेट झटके। मैन ऑफ द सीरीज हरिपुर 11 की गौतम उर्फ माया को घोषित किया गया। प्रतियोगिता का बेस्ट विकेट कीपर हरिपुर 11 के महावीर सिंह को दिया गया। इस मौके पर विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ पारितोषिक वितरण किया गया। समापन समारोह कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि सूबेदार अजीत सिंह, चंद्रसेन गुप्ता, प्रताप राठौर, महावीर सिंह, आशीष, प्रशांत शर्मा, विकास, नरेंद्र पन्नू, उकार सिंह, शाहरुख, विजय सिंह, राकेश कालू, रविंद्र सिंह आदि मौजूद थे। कपूरी के पोलो ग्राउंड में चल रहे फाइनल मुकाबले को देखने के लिए दूर दराज से कई खेल प्रेमी उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। बहुत ही सफल आयोजन यहाँ पे साहब द्वारा और हमारी टीम ने भी बढ़िया खेला। फाइनल में फाइनल अच्छा मैच हुआ। कोशिश की थी हमने जीतने की, धीरज ने अच्छी बैटिंग की लेकिन शुरू में स्कोर ज्यादा हो गया और हार्दिक ने अच्छी बल्लेबाजी की और अच्छा टूर्नामेंट हुआ। बधाई हो टीम को। और आपकी टीम क्या, आपकी टीम के हार का कारण क्या? हार का कारण यही है कि हमने पावर प्ले में बहुत ज्यादा रन दे दिए। शुरू के 6-7 ओवर में 92-93 रन बन गए थे और हमारी जैसी ओपनिंग पार्टनरशिप चाहिए थी वैसी हुई नहीं। बाबू, आज जो मैच खेला गया फाइनल, इसमें जो आपकी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे इसका? आज ये हम हर वर्ष हमारी ये शीतकालीन प्रतियोगिता चलती है जो कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर ग्रामीण तहसील लेवल में खेला जाता है टूर्नामेंट। और आज ये बहुत अच्छा फाइनल मैच था हरिपुर वर्सेस पिपलिया के बीच में। हरिपुर में जो हमारे नए उभरते खिलाड़ी हैं, ओपनर विकास, आशीष और रविंदर, प्रशांत, इन लोगों ने क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ है रायपुर में अभी। और हमारे रामेश्वर जी भी हैं, टीचर है, जो इन्होंने भी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर हरिपुर की टीम ने बहुत अच्छा यहां पर खेला है क्रिकेट को और यही उम्मीद है कि आगे भी बच्चे क्रिकेट अच्छा खेले, आगे बढ़े। आज तहसील लेवल का खेला है, कल डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे और आगे खेले, आगे बढ़े। अभी भी यहाँ पर ग्रामीण ओलंपिक भी आ रही है, उसमें भी ये बच्चे उभरते हुए खिलाड़ी है जो ये चलाया है अशोक गहलोत जी ने। बहुत अच्छा यहाँ पर ये बच्चों को उठाने के लिए कि बच्चे आगे बढ़े, खेले और इनका मानसिक विकास भी हो। खेल ऐसा नहीं है कि खेल, खेल से मानसिक और शारीरिक दोनों ही फायदे होते हैं। तो यहाँ पे और मैं ये मीडिया का भी बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि हमारी बात जो आप तक पहुँची, ग्रामवासियों तक पहुँचे। और इनमें इसमें हमें एक दिक्कत लगी कि ग्रामवासियों ने इसमें इतना उत्साह नहीं लिया जबकि ग्राम के ही बच्चे इसमें खेल रहे हैं। तो ग्रामवासियों को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और ताकि बच्चे भी आगे बढ़े, विकास हो। और मैं